मौजूद सामईन हजरात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक तारीखी वाकया दास्तान अर्तुगरुल गाजी आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये अर्तुगरुल गाजी कौन है? तुर्की मुल्क का एक शहर का कबीला जो काई कबीला कहलाता था, उसके एक सरदार थे जिनका नाम सुलेमा शाह था। उनके चार बेटे थे, उन्हीं में एक अर्तुगरुल गाजी था जो बहुत बहादुर और जाँबाज था। जब ये अर्तुगरुल गाजी जवान हुआ, इसकी जाँबाजी और बहादुरी के चर्चे फैलने लगे। वहीं अलाउद्दीन बादशाह की सल्तनत थी तुर्की में, और मंगोल इन पर हमला करते रहते थे, सताते रहते थे। जब एक दिन सुलेमा शाह गुजर गए तो कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपने कबीले का सरदार बना दिया। अर्तुगरुल गाजी जब सरदार बन गया तो एक दिन ये शिकार के लिए गया, शिकार से वापस जब आ रहा था तो देखा कि कुछ कैदियों को कुछ फौजी बांधे हुए ला रहे हैं। उसने उन कैदियों को छुड़ाने के लिए उस दस्ते पर हमला कर दिया और उन सभी कैदियों को उनसे आज़ाद करा लिया। उसी दस्ते में हलीमा नाम की एक खातून थी। जब वो उनको अपने कबीले पर लेकर आया तो लोगों का मशवरा हुआ कबीले वालों का कि क्यों ना हलीमा से अर्तुगरुल गाजी की शादी कर दी जाए। बिलाखिर हलीमा से अर्तुगरुल गाजी की शादी होती है। उसके बाद इसने अपनी ताकत और बढ़ाई, और उधर मंगोलों का जुल्म बढ़ता जा रहा था जिसका सरदार चंगेज़ खान था। तो जब अलाउद्दीन बादशाह की मदद की अर्तुगरुल गाजी ने, और उसकी जो रियासत मंगोलों ने कब्ज़ा कर रखा था उसको आज़ाद करा लिया, तो फिर किस तरह से बादशाह अलाउद्दीन इनसे खुश होता है और इस काई कबीले को रहने के लिए अपनी सल्तनत से जगह दे देता है। फिर ये काई कबीला वहीं आबाद हो जाता है, और फिर अर्तुगरुल गाजी ने खूब लड़ाई की उन मंगोलों से, और वो सारी ज़मीन जो थी अलाउद्दीन बादशाह की वो सारी वापस कराई। बिलाखिर जब अर्तुगरुल गाजी की उम्र 90 साल हो गई तो फिर इसने इस दुनिया से कूच फरमाया, और इसके बाद इसका बेटा उस्मान गाजी गद्दी पर बैठा, और फिर उसने तकरीबन आधी दुनिया पर ये सल्तनत उस्मानिया कायम की, जो बहुत दिन तक, बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक कायम रही। यही सब वाकया हम आपके सामने पेश कर रहे हैं दास्तान अर्तुगरुल गाजी, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने। आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ की। म्यूज़िक के फ़रज़ राजू खान जी ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज चंद्र गांधी जी की है। लीजिए मुलायजा कीजिएगा दास्तान अर्तुगरुल गाजी। सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। अर्तुगरुल का जिक्र होता है जमाने में, नहीं मिलती कहीं भी बुजदिली इसके फसाने में। वो जिसका नाम सुनते थे तो दुश्मन कांप जाते थे, वो जब मैदान में आता तो डर से भाग जाते थे। खुदा का नेक बंदा था, नबी को मानने वाला नहीं था उस घड़ी उससे कोई भी जंग में आला। हर एक दुश्मन को वो टुकड़ों में पल में बांट देता था, वो एक तलवार से दस्तों के दस्ते काट देता था। चुजात देख के दुश्मन पसीना छोड़ देते थे, दहाड़ उस शेर की सुनते तो जीना छोड़ देते थे। न थी हिम्मत किसी में सामने उसके ठहर जाता, कोई कोई तो उसकी आंखों की दहशत से मर जाता। खुदा ने बाजुओं में उसके वो ताकत अता की थी, बनाया था बदन फौलाद का हिम्मत अता की थी। बहा
बहादुर अर्तुगुल गाजी पे ये रब की इनायत थी। गरीबों बेकसों से बेतहाशा उसको उल्फत थी। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। खुदा का नाम लेता नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। सुनो तफसील से अब अर्तुगुल की दास्तां सारी, के गुजरे वक्त में होती थी किस तरह वफादारी। ये तुर्की मुल्क के एक शहर का काई कबीला था। बहुत चर्चे थे इसके शहर में नामी कबीला था। सुलेमा शाह थे सरदार इस सारे कबीले के। सुलेमा शाह पे फजले खुदा से चार बेटे थे। उन्हीं बेटों में था ये एक बेटा अर्तुगुल गाजी। निशाना चूकता ना था थी ऐसी तीर अंदाजी। बहुत जाबाज था बचपन से इसके खूब चर्चे थे। कबीले वाले सारे अर्तुगुल पे नाज करते थे। गुजर वालिद गए तो बन गया सरदार ये गाजी। कबीले वालों की मर्जी थी इसमें थे सभी राजी। शिकार को रोज करके अर्तुगुल जंगल से आता था। नजर पहुंची जो उसकी सामने मंजर अजब देखा। सिपाही बांध कर कुछ कैदियों को लेके जाते थे। सभी कैदी थे गम से गमजदा आंसू बहाते थे। ये देखा अर्तुगुल गाजी ने उन पर कर दिया हमला। किया तेजी से इतनी हमला के दुश्मन नहीं संभला। पीछे पीछे उनके मौत थी वो भागते जाते। पीछे पीछे उनके मौत थी वो भागते जाते। पीछे पीछे उनके मौत थी वो भागते जाते। वाले हुकूमत छीन ली मंगोलों ने तख्ते उलट डाले। जो उनका हाल दिल था कैदियों ने रो के बतलाया। उन्हें फिर अर्तुगुल गाजी कबीले पर लिए आया। थी एक खातून उनमें जिसका चेहरा भोला भाला था। हलीमा नाम था खातून का नक्शा निराला था। कबीले वालों ने देखा उन्हें दिल में ख्याल आए कि क्यों ना अक्द इस खातून का गाजी से हो जाए। किया ये मशवरा जब सबने मिलकर हो गया ऐसा। हुआ फिर अक्द गाजी अर्तुगुल का और हलीमा का। मुबारकबाद दी लोगों ने गाजी और हलीमा को। कहा तुम दोनों को ये महफिले शादी मुबारक हो। उधर मंगोली सेना भी लगाए घात बैठी थी। कबीले वालों और लोगों पे हमला करती रहती थी। वो ऐसे जुल्म करते के कलेजे कांप जाते थे। सितम से इनके मजलूमों के सीने थर थर आते थे। जो उन सब का था हाकिम नाम था चंगेज खान उसका। सितम जिस पे किया उसने मिटा नामो निशान उसका। कई शहरों पे चंगेज ने कब्जा जमाया था। कई शहरों पे
छीन ली थी बादशाहों को मिटाया था। हुकूमत छीन ली थी बादशाहों को मिटाया था। हुकूमत छीन ली थी बादशाहों को मिटाया था। ज़ईफों पर रहम करता ना बच्चों पर तरस खाता, बड़ी बेदर्दी से वो कत्ल इंसानों के करवाता। सताने जब लगी लोगों को उस चंगेज की फितरत, परेशान लोग फिर करने लगे उस शहर से हिजरत। गरज काई कबीले ने भी आखिर कूच फरमाया, ये लश्कर चलते चलते दूर जब काफी निकल आया। तभी वो एक जगह ठहरे सभी आराम की खातिर, निगाहें अर्तुगुल गाजी की ये क्या देखती हैं फिर। बड़ी ही शान से सेनाएं दो यलगार करती हैं, बहुत तेजी से एक दूजे से मारा मार करती हैं। अचानक लड़ते लड़ते पड़ गया कमजोर एक लश्कर, सिपाही उसके सब गिरने लगे धरती पे कट कट कर। ये देखा अर्तुगुल गाजी ने फौरन जोश में आया, चलाई जिस घड़ी तलवार जालिम पे कहर ढाया। मदद की अर्तुगुल गाजी ने जीता हारता लश्कर, बड़ा यूं हौसला उसका लड़ाई की बहुत बेहतर। सहारा मिल गया गाजी का तो फौरन फतह पाई, मुखालिफ फौज फिर तो भागती फौरन नजर आई। पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी, पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी, पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी। जहां ये जंग होती थी अलाउद्दीन की हद थी, उसी की फौज थी ये सब उसी की सीमा सरहद थी। अलाउद्दीन थे सुल्तान उस सारी रियासत के, सताते रहते थे मंगोल उनको भी बगावत से। नजर इनकी रियासत पर भी उन मंगोलियों की थी, हुकूमत छीन लेना चाहते थे वो जबरदस्ती। इसी बाईस वो जालिम उन पे हमला करते रहते थे, अलाउद्दीन भी हिम्मत से उनसे लड़ते रहते थे। हुआ मालूम जब सुल्तान को फौरन वहां आया, कि उसकी सरजमी पे है कोई एक नौजवान आया। पलट के रख दी जिसने एक पल में जंग की बाजी, नहीं डरता किसी ताकत से है वो हिम्मती गाजी। करीब आकर अलाउद्दीन ने ये बोला गाजी से, हुए खुश हम तुम्हारे हौसले तलवार बाजी से। बताओ क्या तमन्ना है उसे पूरा किया जाए, हमारा दिल ये कहता है तुम्हें तोहफा दिया जाए। कहा ये अर्तुगुल गाजी ने बस अपनी पनाह दे दो, वतन से बेवतन है हमको रहने की जगह दे दो। जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह दे दी, जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह दे दी, जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह दे दी।
उस जगह खेमे लगा डाले। ये सुल्तान ने हथियार उनको बरछियां भाले। मिली ताकत से ताकत हौसले पहुंचे बुलंदी पर। वो सुल्तान नाज करता अर्तुगुल की अक्ल मंदी पर। बड़ी तरकीब से अब दोनों मिलकर काम लेते थे। बहुत होशियारी से हर काम को अंजाम देते थे। किया करते थे वो मंगोली हमला आके उन पे जब। बहादुर अर्तुगुल से जंग में खाते थे मुंह की सब। बहुत घबराते थे अब अर्तुगुल गाजी से सब दुश्मन। बना रहता था गाजी अर्तुगुल उनके लिए उलझन। लड़ाई फिर हुई और दुश्मनों का हौसला टूटा। बहादुर अर्तुगुल ने जालिमों का वो किला जीता। जहां पर बैठ कर वो जुल्म के नक्शे बनाते थे। मुसलमानों पे करके साजिशें हमले कराते थे। यहीं से जालिमों के जुल्म की आधी कमर टूटी। वहां से फौज उन मंगोलियों की भाग कर छूटी। मगर ऐसे भी थे गद्दार कुछ गाजी के लश्कर में। मिले रहते थे मंगोलों से वो दौलत के चक्कर में। यहां के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे। हुआ करता था कुछ दुश्मन तो वो दीनार पाते थे। मगर गाजी का दुश्मन बालबा का कर न पाते थे। हजारों चाले चलते सैकड़ों फितने उठाते थे। गाजी अर्तुगुल के सर पे साया पीरो मुर्शिद का। न थी परवाह उसे कोई खुदा उसका मुहाफिज था। थे उसके पीरो मुर्शिद शेख हजरत इब्ने उल अरबी। खुदा के फजल से उनकी शहर में खूब शोहरत थी। ये गाजी जंग से पहले उन्हीं के पास जाता था। दुआएं लेके उनसे मंजिले मकसूद पाता था। अलाउद्दीन की कुछ हद पे था मंगोलों का कब्जा। रियासत दूर थी वो उससे था हकदार वो जिसका। किया ये मशवरा सुल्तान ने गाजी को बुलवा कर। कहा जागीर का नक्शा सभी गाजी को दिखला कर। बताओ किस तरह जागीर ये दुश्मन से ली जाए। पछाड़े किस तरह दुश्मन को क्या तरकीब की जाए। सताया है हमें उसने हजारों लोग मारे हैं। मुसलमानों के दिल में जुल्म के खंजर उतारे हैं। कहा गाजी ने ये सुल्तान से बिल्कुल न घबराए। रहे बेखौफ पूरी जंग की तैयारी करवाए। करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे। करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे। करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे। खुश हो गया सुल्तान वो गाजी के जुमलों से। लगा ये सोचने अब डर नहीं
दुश्मन के हमलों से गया अपने महल में जंग की तैयारी पूरी की। बचाना था वतन अपना, लड़ाई ये जरूरी थी। बिलाखिर चल दिए मैदान की जानिब सभी गाजी, था उनके साथ सबसे आगे उस दम अर्तुगुल गाजी। ये लश्कर पहुँच कर मंजिल पे अपनी रुक गया सारा, तभी आवाज दी गाजी ने मंगोलों को ललकारा। हुई फिर जंग ऐसी खून के बहने लगे नाले, नहीं डरते थे अपनी मौत से जो थे खुदा वाले। कयामत खेज वो उस वक्त का कुछ ऐसा मंजर था, वो आया मौत के नरगे में जो जालिम सितमगर था। कोई भागा अगर मैदान से तो घेर कर मारा, मिटा दी जिंदगी उसकी बहादी खून की धारा। जो थे वहशी दरिंदे मौत से वो भागे फिरते थे, जमीन पे हाथ पाऊं उनके सब कट कट के गिरते थे। किया रुख अर्तुगुल ने जिस तरफ मैदान कर डाला, मिटा डाले सभी दुश्मन फना हैवान कर डाला। दिखाए तेज के जो हर बुरी ताकत मिटा डाली, दिखाए तेज के जो हर बुरी ताकत मिटा डाली, दिखाए तेज के जो हर बुरी ताकत मिटा डाली। बहादुर अर्तुगुल ने खाक में जुल्मत मिला डाली, बहादुर अर्तुगुल ने खाक में जुल्मत मिला डाली। दुश्मन सभी वो मौत के सैलाब में डूबे, बहुत सुल्तान खुश था हो गए थे पूरे मंसूबे। सिपा सालार फिर उसने बनाया अपना गाजी को, हुआ काई कबीला खुश मिला ये रुतबा गाजी को। अलाउद्दीन ने गाजी को कुछ अपनी रियासत दी, जहाँ जी चाहे रह सकता था ये उसको इजाजत दी। बुराई मिट गई आखिर हुई आबाद सच्चाई, मुसलमानों की बस्ती पे घटा रहमत की परछाई। कई बरसों तलक चलता रहा ये सिक्का गाजी का, मुसलमानों से उल्फत और उसकी दिल नवाजी का। बड़ा यूं वक्त आगे और आखिर वो भी दिन आया, बहादुर अर्तुगुल ने इस जहां से कूच फरमाया। हुआ रुखसत वो इस दुनिया से 90 साल का होकर, बड़ा ही रहनुमा था वो खुदा का फजल था उस पर। फिर उसके बाद उसके बेटे ने ये सल्तनत पाई, था उसका नाम उस्मा, दिल में थी उसके भी सच्चाई। मुसलमानों के दिल पर अब भी गाजी राज करता है, फसाना उसका दिल में जज्बे का आगाज करता है। जो होता है वो मर के भी बदनाम रहता है। राजो